हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मार्केट में रियलमी कंपनी ने अपनी 10 सीरीज को उतार दिया है, जिसके अंदर आपको रियलमी 10 5G और रियलमी 10 प्रो जैसे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। इन दोनों ही स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने रियलमी 10 प्रो प्लस स्मार्टफोन को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि कंपनी की 10 सीरीज का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के ऊपर कंपनी ने काफी जोर दिया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने लुक और डिजाइन के मामले में काफी बढ़िया तैयार किया है और इसके अंदर आपको फीचर्स भी फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन के जैसे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी स्मार्टफोन के बारे में फुल डिटेल देने वाले हैं। यदि आप भी रियलमी कंपनी के फैन हैं और आप एक बढ़िया रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आप रियलमी 10 प्रो प्लस स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के बारे में, जो कि इस स्मार्टफोन का सबसे खास फीचर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब की बार स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी सेंटर पंच छलका टाट वाली कवर्ड डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लुक और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन मुझे काफी बढ़िया लगा। यह स्मार्टफोन आपको हाथ में लेने पर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की जैसी फीलिंग देने वाला है। हालांकि दोस्तों, स्मार्टफोन को कंपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के प्राइस सेगमेंट में नहीं उतारने वाली। यह स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से मिड रेंज के अंदर ही देखने को मिले। तो बाकी दोस्तों, अगर स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.7 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड कवर्ड डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है, जो की 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आएगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। और इसकी कॉर्नर के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 120Hz का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के ऊपर कंपनी ने अब की बार काफी जोर दिया है। इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और यदि आप इस स्मार्टफोन से पिक्चर्स आदि को कैप्चर करके देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आपको बढ़िया कलर पिक्सल्स देखने को मिल जाएंगे। कैमरा सेंसर के बारे में बात करें, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा सेंसर भी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सेल्फी कैमरा अभी तक 16 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल रहा है। कंपनी इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा के अंदर भी काफी इम्प्रूव कर सकती थी। बाकी दोस्तों, आपका इस स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। वेरियंट के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी 8GB और 12GB रैम के पावरफुल वेरिएंट में उतारने वाली है, जिनके साथ आपको 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में तो देखने को मिलेगा ही, इसके साथ ही स्मार्टफोन का 6GB रैम का भी वेरिएंट आपको शायद देखने को मिल सकता है। बैटरी के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर काफी दिन पहले ही एक टीजर सामने आया था, जिसके मुताबिक स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी अभी की बार 67 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 5000mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराने वाली है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको फास्ट चार्जर भी बढ़िया देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको बैटरी भी 5000mAh की देखने को मिल जाएगी, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन आपको बढ़िया और अच्छा लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है। प्रोसेसर के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तरह ही स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी अब की बार खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको अभी बार कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का चिपसेट देने वाली है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको मालिक G68 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी इस बार मीडियाटेक का एक बढ़िया और अच्छा लेटेस्ट पावरफुल 5G चिपसेट प्रोवाइड कराने वाली है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना एक बढ़िया चिपसेट है। यह ड्यूल 5G कनेक्टिविटी के सपोर्ट के साथ भी आता है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की तरफ भी आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, इसके अंदर आपको बढ़िया चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर इसके कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको USB टाइप सी पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको सभी बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। और इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी शायद 30 से 32 हज़ार रुपए के आसपास ही उतारने वाली है। अगर स्मार्टफोन को कंपनी 30 हज़ार रुपए के अराउंड उतार देती है, तो दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन तहलका मचाने वाला है। बाकी दोस्तों, आप इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन किस स्मार्टफोन के साथ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।